बहुत छोटा सा गांव है वो, बाइसी गांव सुपौल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। और मेरी पढ़ाई लिखाई भी आई डिड माय एसएससी फ्रॉम बिहार ओनली, मिडिल भी मैंने बिहार में ही की, मैट्रिक भी बिहार में की। मेरे फादर कहते थे कि योर मतलब तुम्हारे पिता किसान हैं, तुम कहाँ बॉम्बे का सपना देख रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए हो। नहीं, बहुत दुख लगा और रोना आता है जब देखा वो सब, तो बहुत कई रातें नींद नहीं आई हैं अगर सच आप पूछेंगे तो। और श्वेता जी, बहुत दिनों के बाद देखा आपको, बहुत अच्छा लगा। सफाईगिरी से सफाईगिरी, आप तो हमारे गांव की हैं जी, तो मैं गांव पे ही बात ले जाती हूँ जी। हालांकि आजकल भी गांव में हम देखते हैं कि धीरे धीरे सब वो पत्तल छोड़कर जी आ गए थे वो थर्मोकोल वाले प्लेट पर, प्लास्टिक के चम्मचों पर, लेकिन जो ओरिजिनल जो गांव की जिंदगी हुआ करती थी, जो बहुत पहले की बात नहीं है उदित जी, आज से 15-10 साल पहले की बात है कि वही इस्तेमाल होता था। और आज अब शहरों में भी वो फैशन बन रहा है, आपको लगेगा कि यहां भी सब पत्तल पर लौटना चाह रहे हैं क्योंकि वही स्वच्छता का सही प्रतीक है। मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं ना, मेरा जन्म स्थान भी है, मेरा बर्थ प्लेस भी है वो, और ननिहाल भी है, मेरा मामा का घर भी है, वो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है। उसको बहुत कम लोग मेंशन करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, हो सकता है मैं रेडियो स्टेशन काठमांडू से करियर शुरुआत की तो सबके दिमाग में वही है। तो मैं, बहुत छोटा सा गांव है वो, बाइसी गांव सुपौल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। और मेरी पढ़ाई लिखाई भी आई डिड माय एसएससी फ्रॉम बिहार ओनली, मिडिल भी मैंने बिहार में ही की, मैट्रिक भी बिहार में की। और जिस गांव में मैं पैदा हुआ, 70-72 साल हो गए उस गांव में बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो मेरा एक फंक्शन था नालंदा में, तो वहाँ चीफ गेस्ट हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे नीतीश कुमार जी, तो स्टेज से ही मैंने उनको कह दिया कि आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तो वो सोच में पड़ गए, इतने लोग बैठे हुए, ये क्या कहना चाहता है। मैंने कहा जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और जहाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, वहाँ 72 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। एक हफ्ते के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी लगाया हुआ। मतलब मंशा हो तो कुछ भी हो सकता है जी, कोशिश किया जाए तो कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप की सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप में एक डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे ये करना है। मेरे फादर कहते थे कि योर मतलब तुम्हारे पिता किसान हैं, तुम कहाँ बॉम्बे का सपना देख रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, ये पॉसिबल नहीं है, पढ़ो लिखो इंजीनियर डॉक्टर बनो, मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे पास तो इतने पैसे उसे भी नहीं है। और ये वही कहानी वाला गाना आया कि कोई इंजीनियर का काम करेगा बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, देखिए कैसे ऊपर वाला स्क्रीन प्ले मिलाता है। तो मैं फिर, मेरा पैतृक जो है मिथिला में, एक्चुअली हम लोग मैथिली हैं, तो मिथिला के बॉर्डर में नेपाल है, वहाँ मेरा पैतृक है। एसएससी के बाद मुझे, मेरा कोई रास्ता नहीं था कहीं, तो वहाँ के कई मिनिस्टर्स थे जो, मैंने कहा उनको मुझे कुछ काम दे दीजिए, तो बोले यार तुम काठमांडू आ जाओ। तो वहाँ गया मैं, रेडियो स्टेशन में काम किया, 100 रुपये की नौकरी की मैंने वहाँ, और 6-7 साल मैंने ऐसा काम किया। और आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के, न मेरा वहाँ घर था, और काठमांडू भी कैपिटल ऑफ नेपाल है, तो मुझे बहुत तकलीफ होता था वहाँ, और 100 रुपये में तो कुछ होगा नहीं। तो रात को मैं 5-स्टार होटल ज्वाइन करता था, वहाँ गाना गाता था, फिर मैंने उस दरमियान रात को कॉलेज की मैंने वहाँ, और उसके बाद मुझे म्यूज़िक स्कॉलरशिप मिला इंडियन एम्बेसी से, और मैं मुंबई आया, और मैं वहाँ 6-7-8 साल म्यूज़िक क्लासिकल की ट्रेनिंग ली, और उसी दरमियान मैं म्यूज़िक डायरेक्टरों से मिलता था, तो मुझे
थोड़ा थोड़ा काम मिलता गया और भगवान की कृपा ऐसी रही और आप लोगों की दुआओं से 1988 में कयामत से कयामत आई और ऊपर वाले ने चाहा तो कयामत से कयामत तक ही मामला रहेगा। और अब तो ये आलम है कि आपके गानों के रिमिक्सेस बनते हैं और एक गाना ऐसा है जो अब तो खैर अपने बेटे के साथ आप सब समझ गए होंगे ना, मीम किसे कहते हैं और ऐसी चीजें आदित्य समझा देता है ना आपको सब। वो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं तो गांव घर से आया हूँ। तो उसमें आपका एक गाना है जो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, इस तस्वीर पे मुझे लगता है कि अधिकतर जो यंगस्टर्स यहाँ बैठे होंगे सबने एक एक मीम तो जरूर बनाया होगा अपनी जिंदगी में, बहुत इस्तेमाल इसका होता है, आपने देखा है उसको? हाँ देखा तो है। और चूंकि आपने कहा तो मुझे बिहार के बाढ़ की भी तस्वीरें, चूंकि अभी वहां पर बाढ़ और पटना तक में पानी की जो हालात हैं। नहीं बहुत दुख लगा और रोना आता है जब देखा वो सब, तो बहुत कई रातें नींद नहीं आई अगर सच आप पूछेंगे तो, क्योंकि दुख तो दुख है, आदमी बड़ा हो छोटा हो लेकिन इंसान जहाँ रहता है उनके दुख को समझना चाहिए, उनके तकलीफ में काम आना चाहिए। और हम लोग ठीक है, कई लोग कहते हैं ये तो हमारे हाथ बस की बात नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले से अगर हर चीज़ हम सोचें देखें